बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड लेक्चर ऑफ फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, इन विच वी डिस्कस द बेसिक डेफिनेशंस लाइक एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर एंड इट्स सिंबल इज Z. For example, all hydrogen atom have one proton and then in their nuclei, so their atomic number is one. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर की। बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या होता है, कोई भी एटम उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटोन्स को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल बताई है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या है, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है G1। अब हमारे पास इसमें आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमारे पास जितने हमारे पास न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतनी ही शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमारे पास क्या है जी, प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है एटम के वो 1 है, तो इट मीन्स उसके शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होगा, वो भी 1 होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मास नंबर। द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। अब मास नंबर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सम है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों को जब हम सम करते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी मास नंबर। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स सिंबल इज ए। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन एंड 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, सो इट्स मास नंबर इज 1। हमने मास नंबर की एग्जाम्पल लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एटॉमिक नंबर में कि हमारे पास एटॉमिक नंबर में पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, 1 होता है। मास नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मास नंबर हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है जी 1, तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या है, 1 है, जो कि आप डायग्राम के फर्स्ट वाले पार्ट में देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है, 0 है, जो कि हम यहाँ पे साइड पे आपने फार्मूला देखे है ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। ए रिप्रेजेंट दी मास नंबर, जी रिप्रेजेंट दी एटॉमिक नंबर प्लस एन रिप्रेजेंट दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट हमने क्या किया, जी पे हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पुट किए और एन हमारे पास जो है वो क्या है, 0 है, क्योंकि हाइड्रोजन में हमारे पास न्यूट्रॉन्स जो है वो 0 होते हैं, कोई भी नहीं होता, दैट्स वाई। सो इन दिस केस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन इज, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन इज 0 एंड द मास नंबर इज 1। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमने ए से रिप्रेजेंट किया एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द नेक्स्ट वन इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। नेक्स्ट रिलेटिव एटॉमिक मास, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। अब रिलेटिव एटॉमिक मास, अगर आप वर्ड पे फोकस करें, रिलेटिव मींस हम रिलेट कर रहे हैं एटम के मैसेस को, तो हम इसमें बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, कोई एक एटम लेते हैं उसका हम मास ले लेंगे और उनमें से किसी एक को हम स्टैंडर्ड रख लेंगे या हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे उसको रख लेंगे और बाकी सबसे उसको जो है हम कंपेयर करते जाएंगे। इसमें हमने क्या ले लिया जी, कार्बन 12 ले लिए। और जैसे कि आपको पता है कि एटम क्या है हमारे पास, एन एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, देयरफॉर वी कैन नॉट डिटरमिन द मास ऑफ एन एटम। हाउएवर इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमिन द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू एन अदर एक्सपेरिमेंटली। दिस कैन बी डन बाय असाइनिंग अ वैल्यू टू द मास ऑफ वन एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट सो दैट इट कैन बी यूज एज अ स्टैंडर्ड।
फॉर दिस पर्पस वी कैन यूज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज द मैस स्पेक्ट्रोमीटर. तो हमने जो है वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट लेंगे जिससे हमने जो है वो एटम्स के मैसेज को हम रिलेट कर रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल अ हाइड्रोजन एटम इज 8.40 एज मैसिव एज द स्टैंडर्ड ऑफ कार्बन 12 एटम. देयरफॉर रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 AMU. सो वेन वी कंपेयर एटॉमिक मैसेज ऑफ अदर एलिमेंट्स विद कार्बन 12, दे आर एक्सप्रेस्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ अदर दोज एलिमेंट. द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मैसेज इज एटॉमिक मैस यूनिट विद सिंबल AMU. अब एटॉमिक मैस यूनिट आपके पास क्या है? एटॉमिक मैस यूनिट हमारे पास एटम्स के मैसेज को मेजर करने के लिए एक यूनिट है. जैसे कि आपने अपनी, अगर हम डेली लाइफ से बात करें तो अगर वाटर या इस तरह की कोई चीज़ आप लीटर में उसका यूनिट ले रहे होते हैं, इसी तरह जैसे आपके पास शुगर है वो आप उसको जो है वो यूनिट आप केजी में ले रहे हैं, तो इसी तरह मैसेज के यूनिट्स की जब हम बात करते हैं एटम के मैसेज की यूनिट, तो उसके लिए हम जो यूनिट लेते हैं उसको हम बोलते हैं AMU. अब एटॉमिक मैस यूनिट क्या जी? 1 AMU इज डिफाइंड एज मैस एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मैस ऑफ 1 carbon 12 atom. मैस ऑफ 1 carbon 12 atom दैट इज इक्वल्स टू 12 AMU. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी केमिकल फार्मूला. अ ब्रीफ नेम यूज फॉर द फुल केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला. टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला, द फर्स्ट वन इज एम्पिरिकल फार्मूला एंड द सेकेंड वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला. द फर्स्ट वन इज एम्पिरिकल फार्मूला. द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द फार्मूला इज एम्पिरिकल फार्मूला. सो इट कैन बी डिफाइंड एज इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज हैज सिंपलेस्ट रेशियो 1:2:1 ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हैंस इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O. द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज डिटर्मिंड बाई नोइंग द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड. अब एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या है? एक सिंपलेस्ट टाइप है फार्मूले की. इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बता देते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, फिर उसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. हम उसको किसी भी टेबल्स के साथ कैंसिल आउट करने के बाद हम उसको सिंपलेस्ट उसकी रेशियो बता देते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया ग्लूकोज. अब ग्लूकोज का हमारे पास फार्मूला होता है जी C6H12O6. तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके बताया है कि ये हमारे पास है जी 1:2:1, और हमारे पास इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दी नेक्स्ट वन इज मोलिकुलर फार्मूला. द मोलिकुलर मोलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स. दीज मोलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मोलिकुलर फार्मूला दैट शो द एक्चुअल नंबर ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल देयर आर एक्चुअली 2 hydrogen atom एंड 2 oxygen atom एंड इन ईच मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पारोक्साइड. देयरफॉर एक्चुअल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन एटम इज 2:2. अब मोलिकुलर फार्मूले की जब हम बात करें, इम्पेरिकल फार्मूला में हमने उसको सिंप्लीफाई किया, हम उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, जबकि मोलिकुलर फार्मूले में हम उसको एक्चुअल फॉर्म में बता रहे होते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और उनकी एक्चुअल रेशियो हम बताते हैं. जैसे कि हमने हाइड्रोजन पारोक्साइड बताई. हाइड्रोजन पारोक्साइड हमारे पास होते हैं जी H2O2 एंड इट्स रेशियो इज 2:2. सो मोलिकुलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पारोक्साइड इज H2O2. तो हमने इसको एक्चुअल फॉर्म में बता दिया. नेक्स्ट इम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला. ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं इम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला की. द फर्स्ट वन इज बेंजीन एंड इट्स मोलिकुलर फार्मूला इज C6H6 एंड इट्स इम्पेरिकल फार्मूला इज CH. द नेक्स्ट वन इज एसिटाइलिन एंड इट्स मोलिकुलर फार्मूला इज C2H2 एंड इट्स इम्पेरिकल फार्मूला इज CH. द नेक्स्ट वन इज ग्लूकोज एंड इट्स इम्पेरिकल फार्मूला इज C6H12O6 and its molecular formula is CH2O. The last one is water and its molecular formula is H2O and its empirical formula is also H2O. Thank you.